हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीए। तो आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा शॉर्ट रिव्यू मैं लेकर आई हूँ कंप्लीट एलआईसी का। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। 4 मई की फर्स्ट शिफ्ट का क्या लेवल रहा है, क्या सेफ अटैम्प रहेगा, कैसा कैसा पेपर देखने को मिला है, क्या लेवल रहा है, सब कुछ मैं आपको इस छोटे से रिव्यू में देने वाली हूँ। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। और अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं LIC के कंप्लीट रिव्यू की। तो जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब लास्ट मिनट टिप्स में बोला था कि लेवल डेफिनेटली इजी से मॉडरेट जाएगा, वैसा ही लेवल देखने को मिला है। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों को 18 मार्क्स तो स्कोर करने ही थे फॉर सेक्शनल कट ऑफ, सेम फॉर क्वांट में भी आपको करने थे, और इंग्लिश में आपको करने थे 10 मार्क्स। तो रीजनिंग और क्वांट के लिए बोला जा रहा है कि मॉडरेट लेवल गया है, लेकिन इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा सिंपल रहा है और आराम से कोई भी 10 नंबर का स्कोर करके इंग्लिश को क्वालिफाई कर सकता है। फिर बचा रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले रीजनिंग जो आई है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की है। तो मैं आपको, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि पजल या तो 15 मार्क्स की होगी या 20 मार्क्स की होगी, और देख लो मैं तो 20 की ही बोल रही थी और 20 मार्क्स की ही आप लोगों को देखने को मिली है। एक आया है सर्कुलर अरेंजमेंट 9% का, जो मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। एक आई है मंथ डेट पजल, वो होती है ना जैसे 15 और 28 डेट है और यहाँ पर मंथ है, वो वाली। एक आई है लीनियर अरेंजमेंट, सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, 10% है। एक आई है प्यूपल और थिंग्स बेस्ड पजल। ठीक है, ये सेकंड दो वेरिएबल की पजल है जो कि काफ़ी आसानी से सॉल्व हो पा रही है। हाँ, लेकिन फिर भी बोला जा सकता है कि जो सर्कुलर अरेंजमेंट है और ये जो लीनियर अरेंजमेंट है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन डुएबल है। ठीक है, और अगर आप, मैंने जैसा आपको बताया था, कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहले पूरा पेपर रिव्यू कर लेते हैं। तो रीजनिंग में ये 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद में 5 मार्क्स का देखने को मिल रहा है इनइक्वालिटी, 5 मार्क्स की सिलॉक्स, तो आपके यहाँ 30 मार्क्स हो गए, और डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और अल्फाबेटिकल या फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये मिला के टोटल 5 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है ब्लड रिलेशन एक का हो, इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, बट हाँ आया यही कुछ है। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिव्यू आपको मिल गया, सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे अनअकैडमी पर हो। इनइक्वालिटी सिंपल आई है, सिलॉक्स सिंपल आए हैं। अच्छा, सिलॉक्स में एक आया है ओनली फ्यू करके। ठीक है, सिलॉग में एक आया हुआ है ओनली फ्यू करके। तो ये मुझसे अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे लर्नर्स ने पूछा कि मैम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओनली फ्यू, तो इसका मतलब होता है सम। ठीक है, अगर होता ओनली ए आर बी तो होता ऑल बी आर ए, लेकिन जब है ओनली फ्यू ए आर बी तो इसका मतलब है सम ए आर बी। ठीक है, यहाँ से मैंने ये भी क्लियर कर दिया। आगे बात करें क्वांट की, तो क्वांट में भी इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। 10 से 12 मार्क्स की डीआई देखने को मिली है। एक पाई चार्ट है, एक बार टेबल है, 5 नंबर की रॉन्ग नंबर सीरीज है। अब थोड़ा सा रॉन्ग नंबर सीरीज देख के आप थोड़ा सा डर गए, लेकिन नहीं, रॉन्ग नंबर सीरीज डुएबल है, ये आप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन आया है 5 मार्क्स का, और मिसलिनियस फिर बचा है 13 या 15 मार्क्स का, वो पूरी तरीके से मिसलिनियस है। ठीक है, मिसलिनियस डुएबल है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर आपने मिसलिनियस की प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आया हुआ है, एजिस का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का है, परसेंटेज का है, टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अभी तक मेरे पास जो आए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इवनिंग तक प्रोवाइड करूंगी। अब बात करूं अगर इंग्लिश की, इंग्लिश में आरसी देखने को मिली है जो काफ़ी अच्छे लेवल की है। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने वोकैब अच्छी होगी तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स आए हैं एक एक मार्क्स के, और 6 इसमें फिलर्स आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं आए हैं आरसी में, फिलर्स आए हैं जो और ज़्यादा आसान बना रहे हैं आरसी को। ठीक है, अगर एक बार आप आरसी पढ़ रहे हो तो 8 नंबर तो कन्फर्म हो गए यहीं से। 8 नहीं तो चलो किसी किसी की सिनोनियम्स एंटोनियम्स में प्रॉब्लम हो जाए, तो फिलर्स के 6 मार्क्स तो कन्फर्म है। ठीक है, रॉन्ग वर्ड्स आए हैं,
देखो रॉन्ग वर्ड्स कैसे हैं कि आपको उसमें पता करना है कि इन रॉन्ग सम में से राइट वर्ड कौन सा होगा, ठीक है। इसमें एक आया है फाइंड करेक्ट सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस लिख दिए गए हैं तो आपको सेंटेंस फाइंड करना है कि एज अ रूल कौन सा सेंटेंस राइट है। क्लोज टेंस के कुछ नंबर कंफर्म नहीं हो पाए हैं, क्लोज टेंस कितने का है, बट अप्रॉक्स ऑफ 5 के रॉन्ग वर्ड्स है, 5 का करेक्ट सेंटेंस है और एक पैराजंबल है 5 का, तो 15 ये हो गए और 8 ये 23 नंबर तो हो जा रहे हैं, तो अप्रॉक्स हो सकता है क्लोज टेंस 7 मार्क्स का रहा हो, ठीक है। और इंग्लिश बहुत ईजी है, डुएबल है। अब मैं आपको फाइनल टिप्स ये देना चाहूँगी, रीजनिंग को कंटिन्यूसली सॉल्व करो, थोड़ा सा पजल को आपको लगे कि बड़ा है टाइम लगेगा तो स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर कर लेना जिससे कि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पूरी तरीके से इस एग्जाम में अब टाइम का खेल है, याद रखना। क्वांट में मैं यही कहूंगी मिसलिनियस को एंड में करना, DI सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और जो आपका ये नंबर सीरीज है इसको सॉल्व करके फ्री हो जाना, यहाँ से ही आप अप्रॉक्स 20 से 25 मार्क्स कवर कर चुके होंगे, फिर आपके डेफिनेटली आगे मिसलिनियस भी हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं ओवरऑल अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, रीजनिंग में स्कोर जा सकता है 25 से 27 या 30 तक, ठीक है, क्योंकि एक दो पजल अगर छूटती है, लेकिन मिसलिनियस बहुत सिंपल है, जो भी आया हुआ है 15 मार्क्स का वो आप पूरा कर लोगे और डेफिनेटली दो पजल भी बना लोगे तो 25 मार्क्स तो आपके कंफर्म आने चाहिए। अगर टाइम हो पाया कि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक पजल और करके 30 तक स्कोर कर सकते हो। बात करें क्वांट की, तो क्वांट में भी डेफिनेटली 20 मार्क्स तो सब कुछ मिसलिनियस में ही हो गए, बचे 15 जो मतलब 20 हो गए आपके DI और रॉन्ग नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन में, और बचे जो आपके 15 मार्क्स उसमें से डेफिनेटली आप 5 से 7 नंबर का स्कोर मिसलिनियस में कर पाओगे। एक ही बार पढ़ रहा मिसलिनियस को आता है तो करना, अदरवाइज आगे बढ़ना, 15 क्वेश्चन है पूरे करने के लिए किसी ने नहीं कहा है, अगर 8 भी कर पाते हो तो बहुत है, ठीक है। इंग्लिश में तो यार कट ऑफ क्लियर करनी है और वो इजीली होनी चाहिए, इसलिए मैंने कोई सेफ अटेम्प्ट नहीं लिखा है इंग्लिश में, क्योंकि वो मार्क्स जुड़ने ही नहीं है, बस 10 मार्क्स बहुत आसानी से आपके आ सकते हैं विद एक्यूरेसी करके आइएगा, ठीक है। वैसे तुक्के मार सकते हो क्योंकि अब इंग्लिश है, कुछ तो डर रहता ही है, ठीक है। ओवरऑल कहा जा सकता है कि 50 से 55 मार्क्स आपका आराम से आ जाएंगे, और अगर आप कोशिश करोगे तो आप इस स्कोर को 60 तक पहुंचा सकते हो और आपका सेफ स्कोर डेफिनेट रहने वाला है, ठीक है। अब जिसका भी पेपर कल है या बाद में है वो एक काम करिएगा, एक बार जरा लास्ट मिनट टिप वाली वीडियो देखकर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और एक मैंने बनाई थी रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करें 20 मिनट में 30+ स्कोर, उसको देखकर जाइएगा, और दो इंपॉर्टेंट पजल की एक वीडियो बनाई हुई है वो जरूर देखना, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हुआ है इस छोटे से रिव्यू से, तो आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट के एग्जाम है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट लर्नर्स, अच्छे से पेपर देके आइए, पेपर इजी आ रहा है, अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो ना किया हो तो कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस, और आज ना मेरी एक फ्री क्लास है, अच्छा मैं आपको बता दूँ आज मेरी एक 2:30 से 3:30 फ्री क्लास होने वाली है, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, वहाँ आपको पता लगेगा कि क्या है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको शो हो जाएगी, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन, पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।